अजमेर के सावर स्थित मुख्य तालाब में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर सावर थाना प्रभारी आशुतोष पांडे में जाप्ता मौके पर पहुंचे। वहीं चिकित्सकों की टीम ने नर कंकाल को करीबन 2 महीने से अधिक पुराना बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो तालाब में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो नर कंकाल मिलने से सनसनी फैली हुई है। और सावर पुलिस थाना अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो तालाब में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें अभी पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। तो तालाब में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैली हुई है। शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। तो नर कंकाल मिलने से तालाब में सनसनी फैल गई है और अभी शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। सावर के मुख्य तालाब में एक कंकाल मिला था। मौका मुआयना के तत्पश्चात उसको चीरगढ़ में रखवाया, जहां परिजनों ने कपड़ों से इसकी पहचान कर ली है। बाद पोस्टमार्टम सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश जांगड़ हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, देखिए यहाँ पर नर कंकाल मिला है और अभी पुलिस शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है, क्या जानकारी? आयुषी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सावर के मुख्य तालाब में एक नर कंकाल मिला था। ग्रामीण सूचना पर सावर थाना अधिकारी आशुतोष पांडे मौके पर पहुंचे, घटना का मौका मुआयना किया और नर कंकाल को वहां से जब्त कर सावर तीरगढ़ रखवाया। जी अभी इसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा और सोशल मीडिया के मार्फत इसकी शिनाख्त की गई अभी, और ये सावर निवासी नारायण माली के रूप में इसकी पहचान हुई है और इसके परिजनों ने कपड़ों के आधार पर इसकी पहचान की है। जी जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।